أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कहिए आप सब लोग खैरियत से हैं ना। अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, हर छोटी बड़ी बीमारी से महफूज रखे, हर परेशानियों के सबके दूर कर दे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आप सबको मेरी तरफ से एक बहुत बहुत ईद मुबारक हो, कुर्बानी मुबारक हो। आप सबको मैं आज गोश्त की तरह से, हैदराबादी गोश्त की तरह से तलते हैं बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, मैं गोश्त तलने के लिए, ये 1 किलो मटन है जो कटा हुआ है। अब इसको आप अच्छी तरह से 4-5 बार अच्छी तरीके से धो लीजिए। धो के इसको थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरह से नरम गला लीजिए। उसके बाद इसको तलना है। ये है 1 किलो मटन बगैर हड्डी का, और ये है 3 चाय के चम्मच मिर्ची, ये 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन, ये 2 चाय के चम्मच नमक है, ये 1 चाय का चम्मच हल्दी, ये हरा मसाला है पुदीना, हरे मिर्चियाँ, कोथमीर, ये सब ऊपर से डालने के लिए गोश्त तले पर, और ये है गरम मसाला, ये 1/2 चम्मच शाजीरा है, ये थोड़ा सा पट्टा है, और ये लौंग है, और ये कबाब चीनी के 2 टुकड़े है, और ये 4 इलायची है, और ये 3 बड़े चमचे तेल है। अब इसको, ये गोश्त को अच्छी तरीके से मैं धो के रखी हूँ। अब इसको मैं उबाल लेने के बाद आपको बताती हूँ तलना, किस तरह तलना है। अब आप जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। गोश्त कुकर में तलने के लिए जो गोश्त मैं लाई थी ना, वो गोश्त कुकर में डाल के गला ले रही हूँ। अब 10 मिनट के बाद निकाल लेंगे इसको, अच्छा नरम होगा। बस इसमें थोड़ा आधा चम्मच नमक डाल के इसको उबाल लेना अच्छे तरीके से, धो लीजिए। उसके बाद कुकर में डाल के उसको गला लीजिए, फिर निकाले बाद फिर तलेंगे। अब हम ये इलायची, पट्टा, शाजीरा सब पीस लेंगे इसमें। उबाल लिए, अब इसको तलेंगे। ये देखिए, ये गोश्त को कुकर में उबाल लिए, अब इसको तलेंगे। अब इसमें गोश्त डालेंगे थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा लाल कर लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये अच्छी तरह से गोश्त को गला लीजिए। अब इसमें हल्दी डालेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच, ये
अब ये दो चाय के चमचे अदरक लहसुन है, अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसमें अदरक लहसुन की बू चले जाना वैसा। अब ये चार चाय के चमचे मिर्ची है, हम ज्यादा खाते मिर्ची, आप जितना खाना चाहते उतना डालिए। ये मिर्ची अच्छी तरह से, मिर्ची की बो चले जाना जब तक इसको अच्छा मिलाते रहे। अब इसके अंदर ये नमक है एक चाय का चम्मच, ये पांच हरे मिर्चियां हैं, ये पांच हरे मिर्चियां हैं जो ऐसा काट के डाली। ये कोथमीर पुदीना, ये पुदीना, ये इलायची है, चार इलायचियां है, दो लौंग, आधा चम्मच शाहजीरा, दो कबाब चीनी। कबाब चीनी डालने से बहुत मजेदार होता है। आपको अगर डालना है गरम मसाला तो डाल ही दी, मर्जी आप, बहुत ही मजे का होता है, गरम मसाले से चटपटा हो, चटपटा और खूब वो गरम मसाला डालने से ये गोश्त चटपटा मजेदार हो जाता। अब ये तक गोश्त चटपटा गोश्त तैयार हो गया। इस तरह से आप भी बनाइए, एक बार बना के देखिए, फिर उसके बाद अगर पसंद आएगा आप एक बार बना के देखिए, बार बार बनाएंगे आप। अब ये गोश्त तैयार हो गया। ये चटपटा तला हुआ हैदराबादी गोश्त तैयार हो गया। अब आप इसको शीरमाल से खाइए, रोटी से खाइए, खाने से खाइए, जिसे चाहे खा सकते। आपको जरूर पसंद आएगा, एक बार बना के देखिए, आपको पसंद आ जाएगा। गोश्त पसंद आया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लिख के बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अब मैं आपको और भी अच्छा दूसरी चीज बना के बताऊंगी खाने के लिए, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।